हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनिका की सिलाई कढ़ाई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वाइट और ब्लू पिंक कंट्रास्ट में, वाइट ब्लू एंड पिंक कंट्रास्ट में एक स्वेटर लाई हूँ। ये मैंने 5 साल तक के लिए बच्चे के लिए ये स्वेटर बनाया है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरा स्वेटर कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने ये स्वेटर 5 साल तक के बच्चे के लिए बनाया है। इसमें मैंने जो बॉटम है, बॉर्डर है स्वेटर का, वो मैंने, आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको। मैंने इसमें 2 फंदे सीधे लिए हैं और 2 फंदे उल्टे लिए हैं। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, ये देखिए इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा। 2 फंदे सीधे हैं और 2 फंदे उल्टे लिए हुए हैं मैंने। ये जो मेरा बॉर्डर है ये थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाया है, क्योंकि हम हमेशा जो बॉर्डर बनाते हैं मेरा सेम रहता था, इस बार मैंने थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। तो मेरा इस तरीके से ये बॉर्डर बन गया है और देखिए बॉर्डर उभर के आ रहा है, सुंदर भी लग रहा है। और फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ पिंक कलर की ऊन मेरे पहले वाले स्वेटर की रखी हुई थी, तो मैंने उसका मैच करके इसमें लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, वाइट कलर के ऊपर ये कितना अच्छा कंट्रास्ट लग रहा है। इसी तरीके से मैंने जो है गला भी मेड कर लिया है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स, मेरे को इसके बाजू में आपको बताने जा रही हूँ, मुझे इसकी बाजू के बारे में आपको बताना है। ये मैंने इसकी दूसरी बाजू स्टार्ट की है। इसकी पहली बाजू है ये देखिए, मैंने इसकी बाजू बना ली है, ये देखिए। इसे मैंने 4 तरीके ऊपर मैंने पिंक ब्लू पिंक मैंने इसमें कलर लगाया है, जो काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इसका बॉर्डर भी मैंने 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे लिए हैं। मेरे को आपको ये वीडियो बताने का पर्पस यही है कि इसका जो बॉर्डर है मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं इसकी दूसरी बाजू बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसका जो है लगभग बॉर्डर इसका मैंने बना ही लिया है। ये देखिए, इसमें भी मैंने 5 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे लिए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी कि हम बॉर्डर में किस तरीके से बना रही हूँ। अभी मेरा ये बॉर्डर पूरा नहीं हुआ है जो मैंने स्वेटर में डाला हुआ है। इसका जो बैक है मैंने स्वेटर का, वो देखिए मैंने इस तरीके का बनाया है। ये देखिए, ये और भी सुंदर लग रहा है। ये देखिए इसका जो बॉर्डर है, वो देखिए कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स, ये मेरी 8 रो है बॉर्डर की। मैंने इसमें सिलाई को मैंने आगे किया है, धागे को मैंने आगे से ले लिया, 2 फंदे आगे से, इसको मैं धागे को मैंने पीछे कर लिया, 2 फंदे पीछे से। टाइट हाथ आपको रखना है क्योंकि ये बॉर्डर है। मैंने बॉर्डर की सिलाई यूज की है, ये देखिए 2 फंदे आगे और 2 फंदे पीछे, 2 फंदे आगे, सॉरी ये 1 फंदा रह गया, 2 फंदे आगे 2 फंदे पीछे 2 फंदे आगे 2 फंदे पीछे 2 फंदे आगे 2 फंदे आगे 45 फंदे लिए हैं, ताकि बच्चा थोड़ा बड़े होने पर भी पहन जाए, उसको टाइट ना लगे। अभी मेरा लास्ट का फंदा रह गया है, ये देखिए इस तरीके से मेरा ये जो है पूरा हो गया है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, इस तरीके से ये एक नया बॉर्डर का डिज़ाइन आपके सामने मैं लेके आई हूँ। ये देखिए, जो मेरी पहले वाली बाजू है
जो मेरी बाजू रेडी हो गई है इसमें मैंने सेम यही वाला बॉर्डर बनाया है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का बॉर्डर बनाने का नया तरीका, और ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान है, इसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। इसके बाद हम और भी अच्छा बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? मेरी वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।